अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है। उम्मीद है पहले से होंगे। रानी खेत का इलाज में यार शॉर्ट कट आपको बताता हूँ। इलामात तो आपको पता होंगी, नहीं पता तो मुर्गा मुंह खोल के सांस लेता है, मुर्गा अपना कोट बंद कर लेता है क्योंकि उनकी आंतें जो होती हैं वो सूज जाती हैं जब वो फिर हजम करते हैं ना, तो उनकी उनको तकलीफ होती है जिसकी वजह से वो अपना कोट बंद कर लेते हैं। और तीसरी ये कि मुर्गा जो होता है अपनी जो ग्रीन और वाइट पीठे करता है, और मुर्गा जब रानी खेत का आधी स्टेज होगा ना, मुर्गा टांगों से बैठ जाएगा और 1 से 1.5 दिन में टांगों से बैठने के बाद 1 से 1.5 दिन में आपका मुर्गा खिलास हो जाएगा। इलाज क्या है कि जी आपने न्यूरोबियन प्लस पेंसिलिन 10 लाख लेना है, ठीक है। पेंसिलिन 10 लाख लेना है, आपने इन दोनों को मिक्स कर लेना है। 1.5 cc आपने अपने मुर्गे को जिसम के ऐसे हिस्से पर जहाँ पर गोश्त की मकदार ज़्यादा हो वहाँ पे लगा देना है। लेग पीस भी हो सकता है, सीना भी हो सकता है, ठीक है। इन दोनों जगहों में से कहीं पे भी आप लगा सकते हैं। एक ये हो गया। एक होता है ऑक्सीडिल। क्या होता है ऑक्सीडिल? इंजेक्शन होता है, उसमें 3 cc इंजेक्शन होता है, वो आपने 1 cc लगाना है, ठीक है। न्यूरोबियन और पेंसिलिन 10 लाख भी आपने 2 दिन आप करें, ठीक है। 1.5 cc सुबह दोपहर शाम 2 दिन करें, ठीक है। ऑक्सीडिल भी 1 cc आपने लगाना है अपने मुर्गे को, ठीक है। इंशाल्लाह इन्हीं से आपका मुर्गा, ये नहीं कि आप ऑक्सीडिल भी लगा दें और न्यूरोबियन और पेंसिलिन 10 लाख में मिला दें, इन दोनों में से कोई एक न्यूरोबियन और पेंसिलिन 10 लाख को मिलाना है, ठीक है। एक टीका बन जाएगा, यानी 3 cc होगा। 1.5 cc आपने सुबह लगाना है, फिर 1.5 cc आपने दोपहर को लगाना है, फिर नया टीका बनाए 1.5 cc शाम को। इस तरह 2 दिन आपने करना है। ऑक्सीडिल जो होगा वो एक टीका आपका 1 दिन यानी सुबह दोपहर और शाम को निकल जाएगा, ठीक है। इंशाल्लाह उम्मीद है कि आपका मुर्गा जो होगा इसी से ठीक हो जाएगा। और आपने मुर्गे को खिलाना क्या जी, अगर तो पोट बंद है ना कोई, यानी हाजमे का निज़ाम ही नहीं है, हाजमा फुल बंद हुआ हुआ है, तो आपने क्या करना है जी, किसी तरीके से अपने मुर्गे का पोट साफ़ करना है, ठीक है। पोट साफ़ करने के बाद आपने यानी वाश कर ले, कोई दाना वगैरह ना उसकी पोट में बचे, अगर 2-3 वाश भी जाए तो फिर कोई बात नहीं। तो आपने क्या करना है जी, फुल साफ़ फुल रस वगैरह दूध में रस दे सकते हैं थोड़ी मकदार में, ये नहीं आप उसका पेट भर जाए, ठीक है, इतने भी नहीं देने। यानी रस वगैरह दूध में ना रस देकर, ठीक है, रस भी गोकर दूध में वो आप खिला सकते हैं। एक बी कम्प्लेक्स इंजेक्शन ले लें, 10 या 15 रुपये का तक आपको वो मिल जाएगा। वो आपने क्या करना है जी, उसको आपने क्या करना है जी, अंडे में मिलाकर वो अंडा अपने मुर्गे को पिला देना, इन दोनों को मिक्स करके अंडे में, अंडे यानी वो अंडा जो होगा बीगल कम्प्लेक्स के साथ वो अपने मुर्गे को पिला देना। या आप अपने मुर्गे को रस और जो होता है दूध मिक्स करके अच्छी तरह वो आपने पिला देना। और इंजेक्शन की प्राइस मैं आपको बता दूँ तो बी कम्प्लेक्स उसकी ऑक्सीडिल 120 तक मिल जाएगा आपको, और न्यूरोबियन जो होगा वो आपको 30 और पेंसिलिन 10 लाख जो होगा वो भी आपको 30 रुपये तक मिल जाएगा। तो सस्ता ही इलाज है, सस्ता ही बताया आपको, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे भाई यही करते हैं, ठीक है। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कसम से मेरी ना ये जो चीज़ होती है ना, थक गया बोल बोल के मैं इतनी दफ़ा वीडियो बना चुका हूँ। तो अल्लाह हाफिज़।